राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज शुभ नवरात्रि, जैसा कि कल प्रतिपदा थी, अतः आज शुभ नवरात्रि बसंती शुभ नवरात्रि का दूसरा तृतीया दिन है। श्राम तुम्हें घनान माया मै रथ चढ़ी गय आकाश, सीताराम घर जो अष्ट हास करी भय कपि कट कटाही त्रास, घर जो अष्ट हास करी भाई कपी कटे कहीं त्रास, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। मेघनाद उसी पूर्वोक्तक माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अष्ट हास करके गर्जा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सूल तरवार कृपाना, सीताराम 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 सीताराम, अष्ट शस्त्र कुलिसायुध नाना, सीताराम 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 सीताराम, परिध पाखाना, सीताराम 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 सीताराम, लाजो वृष्टि करें बहुबाना, सीताराम 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 सीताराम। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा हर से परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिस रहे बाने नद छाई, सीताराम 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 सीताराम, मानव मघा मेघ झर लाई, सीताराम 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 सीताराम, धरु धरु मारू सुनिए धुनि काना, सीताराम 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 सीताराम, जो मारही ते ते को न जाना, सीताराम 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 सीताराम। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने घड़ी लगा दी हो। राम पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिर तरु आकाश कपि धाम ही, सीताराम 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 सीताराम, देखही तेही न दुखित फिर आवही, सीताराम 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 सीताराम। अब घट घाट बात गिरी कंदर, सीताराम 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 सीताराम, माया बल की नेत सर पंजर, सीताराम 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 सीताराम। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। सीताराम जाहि कहां व्याकुल भय बंदर, सीताराम 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 सीताराम, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, सीताराम 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 सीताराम। मारुत सुत अंगद नल नीला, सीताराम 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 सीताराम, कीन है से बिकल सकल बल सीला, सीताराम 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 सीताराम। अब कहाँ जाएं, ये सोचकर रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति बजरंगी हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। उन्हीं
लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सीताराम 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 सरही मार सिंह से जर जर तन सीताराम 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 पुनि रघुपति से जूझ लागा सीताराम 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 सर छाड़त होई लागहि नागा सीताराम 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 सीताराम। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को कलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी सीताराम 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 सोभस अनंत एक अभिकारी सीताराम 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 नटयुग कपट चरित कर नाना सीताराम 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 सदा स्वतंत्र एक भगवाना सीताराम 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 सीताराम। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है वे खर के शत्रु श्री राम जी। राम जी लीला से नाग फांस के बस हो गए उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रने सोभालगी ही बंधायो सीताराम 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 नांगे फांस दे वन भय पायो सीताराम 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 सीताराम। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अनेकों को नांग फांस में बंधा लिया परंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल वायाजू सीताराम 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 सीताराम। गिरजा जा सुनाम जपी मुनि का तही भव पास सीताराम तो की बंध तर आवई व्यापक भी सुनवास लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। शिव जी कहते हैं हे गिरजे जिनका नाम जप कर मुनि भय जन्म मृत्यु को हाथी को काट डालते हैं वे सर्व व्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के शगुन भवानी सीताराम 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 तरकी न जाही बृष्टि बलवानी सीताराम 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 अस विचार जे तग बिराजी सीताराम 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 राम ही भजहि तरक सब त्यागी सीताराम 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 सीताराम। हे भवानी राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और बाणों के बल से राम तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं ये सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। राम व्याकुल कटप कीन घन नाधा सीताराम 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 पुनिभा प्रगत कहई दुर्बादा सीताराम 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 जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा सीताराम 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 सुन करी ताही क्रोध अति बाढ़ा सीताराम 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 सीताराम। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वे प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जानवर ने कहा अरे दुष्ट खड़ा रह। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध पड़ा। राम क्रोध
बढ़ा बूढ़े जानी सखे छाड़े हुए तो ही सीताराम 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 लगे सी अधम पचारे मो सीताराम 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 अस कही तरल त्रिशूल चलायो सीताराम 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 जामवंत कर गही सोई धायो सीताराम 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 सीताराम। अरे मूर्ख मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था, अरे अधम अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया, जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मार नांद कैसाती सीताराम 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 प्राभूम धुर्मित सुर गाती सीताराम 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 कुनिरिसान गई चरण फिरायो सीताराम 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 मही पसार निज बल बखरायो सीताराम 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 सीताराम। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा, वे देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जानवाने फिर क्रोध में भर कर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। जय श्री राम। दर प्रसाद सो मरई न मारा सीताराम 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 तब गही पद लंका पर धारा सीताराम 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 यहाँ देव ऋषि गरुड़ पतायो सीताराम 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 राम समीप सपदी सो आयो सीताराम 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 सीताराम। किंतु वरदान के प्रताप से वे मारे नहीं मरता, तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने गरुण को भेजा, वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। प्रभु की कृपा भयवे सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारी सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। खगपति सब धरि खाए माया नांग बरूत सीताराम माया विगत भय सब हर से बानर जूत लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। पक्षीराज गरुण जी सब माया सांपों के समूहों को पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिर पादत उपल नख खास कीस रिसाई सीताराम चले तमी चर बिकल तरे गढ़ पर चढ़े पराई लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनांद कै मूर्छा जाई सीताराम 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 सीताही बिलोक लाजे अति लागी सीताराम 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 सूरत जयव कंदरा सीताराम 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 करो अजय मख अस मन धरा सीताराम 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 सीताराम। मेघनाथ की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वे तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ मंत्र बिचारा सीताराम 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 सुनहु नाथ बले अतुल उदारा सीताराम 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 सीताराम
मेघनांद मत करैया पावन सीताराम 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 खल माया देव सतावन सीताराम 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 सीताराम। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान, पुरार प्रभु देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। राम जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई सीताराम 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 नाथ देगी पुन जीत न जाई सीताराम 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 सीताराम। सुन रघुपति अतिशय सुख माना सीताराम 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 बोले अंगदादि कपिनाना सीताराम 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 सीताराम। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई सीताराम 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 करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई सीताराम 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 सीताराम। तुम्हें लक्ष्मण मार्य हुरन वो ही सीताराम 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 देखि सब सुर दुख अति मोही सीताराम 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 सीताराम। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना देवताओं को भयभीत देकर मुझे बड़ा दुख है। मार्य हुए ही बल बुद्धि उपाय सीताराम 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 यही श्री जय निकर सुन भाई सीताराम 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 सीताराम। जसाम जामवंत सुग्रीव विभीषण सीताराम 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 सेन समेत रहु तीन जन सीताराम 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 सीताराम। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। राम जब रघुवीर दीन अनुशासन सीताराम 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 कठिन संग कसि सहज सरासन सीताराम 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 सीताराम। प्रभु प्रताप उर धरि रण धीरा सीताराम 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 बोले धन युग गिरा गंभीरा सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस कर और धनुष सजा कर चढ़ा कर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर बाणी से बोले, जो तेही आज बधे बिनियावम सीताराम 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 तौ रघुपति सेवक न कहावम सीताराम 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 सीताराम। जब सत शंकर करहि सहाई सीताराम 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 तदपि हतम रघुवीर दुहाई सीताराम 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 सीताराम। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जिनमें हमारी सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। रघुपति चरण नाई सिरु चलेव तुरंत अनंत सीताराम अंगद नील
मयंद नल संग सुभट हनुमंत लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्थिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन को देखा वैसा सीताराम 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 आहुति देत रुधि अरु भैंसा सीताराम 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 सीन कपिन सब यज्ञ विधंसा सीताराम 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 जब न उठे तब करहीं प्रशंसा सीताराम 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 सीताराम। बानरों ने जाकर देखा कि वे बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया फिर भी जब वे नहीं था तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरे सी कच जाई सीताराम 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 लात निहति हति चले पराई सीताराम 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 लयत कुल धावा कपि भाजे सीताराम 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 आए जहाँ रामानुज आगे सीताराम 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 सीताराम। कितने पर भी वह ना उठा तब उन्होंने जाकर उसके बल उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा जाम तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा सीताराम 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 गरज भोर रो बार ही मारा सीताराम 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 सीताराम। कोपि मरुत सुत अंगद धाये सीताराम 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 हतित सूल उर धरणि गिराए सीताराम 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 सीताराम। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति श्री हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े उसने छाती में त्रिशूल मार कर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाण त्रिशूल प्रचंडा सीताराम 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 सर हसिकते अनंग जुग खंडा सीताराम 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 उठ बहोरी मारुति जीव राजा सीताराम 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 सीताराम। हतहिं कोपि तेहिं घाव न बाजा सीताराम 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 सीताराम। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी वे बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट ना लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा सीताराम 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 तब धावा करी घोर चिकारा सीताराम 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 आवत देखि क्रुद्ध जनुकारा सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण छाये बिसिख कराला सीताराम 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 सीताराम। शत्रु मेघनांद मारी नहीं मरता ये देखकर जब वीर लौटे तब वे घोर घोर चिंघार करके दौड़ा। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़े। देखे आवत कभी शम बाना सीताराम 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 तुरत भयव खल अंतर धाना सीताराम 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 सीताराम।
विविध देश धरि करे लड़ाई सीताराम 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 कबहुँ का प्रगत कबहुँ दूरी आई सीताराम 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 वज्र के समान बाणों को आते देख कर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। ये कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय डरते की सा सीताराम 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 परम क्रुद्ध तब भय यही सा सीताराम 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 लक्ष्मण मन अस मंत्र जड़ावा सीताराम 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 यही पापी मैं बहुत खिलावा सीताराम 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 शत्रु को प्राप्त न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। हनुमान जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कोशलाधीश प्रतापा सीताराम 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 सर संधान कीन करिदापा सीताराम 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 छाबान माझी उरी लागा सीताराम 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 मृति बार कपट सब त्यागा सीताराम 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 सीताराम। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम यहाँ पर मेघनांद का वध हो रहा है। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जिनमें हमारी सुफल भायाजू सीताराम 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 रामानुज कहाँ राम कहाँ अस कही छाड़ सीतान सीताराम धन्य धन्य तव जननी कहाँ अंगद हनुमान कहाँ अंगद हनुमान लखन सिया राम चंद शंकर है उमा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठाए सीताराम 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 लंका द्वारे राख पुनिया सीताराम 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 मरण सुनि सुर गंधर्वा सीताराम 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 चढ़ी विमान आए नभि सरबा सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मन सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़ चढ़ कर आकाश में आए। बरस सुमन दुमदुभी बजाई सीताराम सीताराम बरस सुमन दुमदुभी बजावहीं सीताराम 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 श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं सीताराम 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 जय अनंत जय जगदाधारा सीताराम 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 तुम प्रभु सब देवनि निसतारा सीताराम 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 सीताराम। ये फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और
श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, जय हो जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए सीताराम 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 सीताराम। सुत बध सुना दसानन जबही सीताराम 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 सीताराम। मूर्छित भयव पर्यव मही तबही सीताराम 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 सीताराम। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र बध का समाचार सुना क्यों ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी सीताराम 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 सीताराम। पुरतारन बहु भांति पुकारी सीताराम 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 सीताराम। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सीताराम 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 सीताराम। सकल कहीं दस कंधर पोचा सीताराम 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 सीताराम। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। तभी रावण को नीच कहने लगे। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जिनमे हमारी सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। तब दस कंठ विधि विधि समुझाए सब नारी। नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदय बिचारी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो तिनहिं ज्ञान उपदेशा रावण सीताराम 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 सीताराम। आपुन मंद कथा शुभ पावन सीताराम 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 सीताराम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे सीताराम 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 सीताराम। जे आचरही ते नर नघने रे सीताराम 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 सीताराम। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वे स्वयं तो नीच हैं पर उनकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। राम निशा निशा शिरानी भयव भिनु सारा सीताराम 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 सीताराम। लगे भालू कपिचारिहु द्वारा सीताराम 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 सीताराम। सुभट बुलाई दसानन बोला सीताराम 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 सीताराम। रन सन मुख जाकर मन डोला सीताराम 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 सीताराम। रात बीत गई सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर सन्मुख रावण ने कहा लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन दबा डोल हो तो अब ही बरु जाऊ पर आई सीताराम 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 सीताराम। संयुग विमुख भय न भलाई सीताराम 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 सीताराम। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा सीताराम 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 सीताराम। गेहूँ हो उतर जोरी पुचढ़ियावा सीताराम 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 सीताराम। अच्छा है वे अभी भाग जाए युद्ध में जाकर विमुख होने भागने
में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मारुत बेग रथ साजा, सीताराम 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 सीताराम, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, सीताराम 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 सीताराम, चले वीर सब अतुलित बली, सीताराम 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 सीताराम, जनु का जल कै आंधी चली, सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे विधाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुण अमित हो ही ते ही काला, सीताराम 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 सीताराम, गनई न बुझबल गर्व विशाला, सीताराम 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 सीताराम। उस समय असंख्य असगुण होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवणन आवा आयु हाथ ते, भट गिरत रथ ते भाजी गज की करत भाजही साथ ते, गोमाई गीध कराल खर रौ स्वान बोलही अति घनी, जनु काल दूत उलूक बोलही बचन परम भया मने। अत्यंत गर्व के कारण वे सगुन असगुन का विचार नहीं करता, हथियार हाथों में हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं, सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। सीताराम प्रभु की कृपा भयलु सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम, ताही की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विस्ताम, सीताराम भूत द्रोह रथ मोह बश राम, विमुख रति काम लखन सिया राम, चंद शंकर हरि उमा। जो जीवों के द्रोह में रथ है मोह के बस में हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है। पारा सीताराम 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 सीताराम, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, सीताराम 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 सीताराम, विविध भांति बाहन रथ जाना, सीताराम 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 सीताराम, विपुल बरन पलाक ध्वजनाना, सीताराम 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 सीताराम। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूठ गनेरे, सीताराम 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 सीताराम, साबित जलद मरुत जनु प्रेरे, सीताराम 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 सीताराम, बरन बरन दिर्दैत निकाया, सीताराम 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 सीताराम, समर सूर जानही बहु माया, सीताराम 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 सीताराम। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋत के बादल हो, रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी विराजी, सीताराम 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 सीताराम,
वीर बसंत सेन जनता जी सीताराम 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 सीताराम। चलत कथक दिग सिंधुर दगही सीताराम 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 सीताराम। शुभित पयोधि उधर डग मगही सीताराम 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 सीताराम। अत्यंत विचित्र भौर सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी दिगने लगे, समुद्र शुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। कुटीरेणु रवि जय छपाई सीताराम 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 सीताराम। मरुत थकित वसुधाय कुलाई सीताराम 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 सीताराम। पनब निशान घोर रव बाजहिं सीताराम 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 सीताराम। प्रलय समय के धनु जनु गाजहिं सीताराम 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 सीताराम। इतनी धूल उड़ी कि सूर छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। डोल ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फीरी जाम भेरी न फीरी बाज सहनाई सीताराम 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 सीताराम। मारु राग सुभद सुखदाई सीताराम 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 सीताराम। हे हरिनाद वीर सब करही सीताराम 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 सीताराम। निज निज बल पौरु से उच्चरही सीताराम 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 सीताराम। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहि दशानन सुनहु सुभक्ता सीताराम 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 सीताराम। मरदहु भालु कपिन के थत्ता सीताराम 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 सीताराम। हौ मारी हौ भूप दौ भाई सीताराम 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 सीताराम। अस कही सनमुख फौज रंगाई सीताराम 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 सीताराम। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर श्रीराम 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 श्रीराम। तुम रीछ बानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई सीताराम 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 सीताराम। धाये करी रघुवीर दुहाई सीताराम 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 सीताराम। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। धाये पिसाल कराल मरकट भालु काल समानते मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल शंक नमा नहीं। जय राम रावण मस्त गज मृगराज सुजस बखानहिं। राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आय हो। श्रोता करहु प्रयान श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश रामायण वैकुंठ गई। विदा होइ हनुमान लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा उमापति महादेव जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचरित मानस की जय। रामायण पुराण की जय। परम पूज गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अशोक देवता की जय। शिव नवरात्रि की जय। आज के पावन पर्व की जय। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है, अतः कल की कथा सुनने के लिए समस्त सम्मानित श्रोता भक्त संत एवं सम्मानित माताएं बहनें श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें, उनका आशीर्वाद लें, इसके बाद अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। अतः कल की संपूर्ण श्री रामचरित मानस का पाठ सुनने के लिए आप श्री ठाकुर जी धाम मंदिर पतारी पुरवा बरेंदा अतर्रा बांदा उत्तर प्रदेश में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज शुभ नवरात्रि का तीसरा दिन है, अतः लंका कांड का प्रसंग आख्यान चल रहा है। इसमें मेघनांद बध हो चुका है। धाये विशाल कराल मर कट भालु काल समानते मानहु सपच उड़ाही भूधर दंद नाना बानते नख दसन शैल महादुमायुध सबल संक न मानही जय राम राम मस्त गज जिब राज जस बखानही। राम जय राम जय जय राम। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वत समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्षों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। श्री राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू। सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जू। सीताराम 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 गहु दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जान। सीताराम हिरे बीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा दोनों दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान सुन कर इधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बीरथ रघुबीरा सीताराम 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 देख विभीषण भयव अधीरा। सीताराम 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 अधिक प्रीत मन भाषण देहा। सीताराम 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 बंदी चरण कह सहित सनेहा। सीताराम 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 रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर भीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे इसने पूर्वक कहने लगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। सीताराम 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 कहीं भी दीदी तब वीर बलवाना। सीताराम 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 न
नहु सखा कहे कृपा निधाना। सीताराम 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 जही जय हो ईसो स्वंदन आना। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर प्रभु श्री राम का और लंका जाज रावण का युद्ध हो रहा है। अतः प्रभु श्री राम को जब देवता देखते हैं कि पैरों में जूते नहीं हैं और विमान नहीं है, अतः ये पैदल हैं और वो पुष्पक विमान पर चढ़ा हुआ लंकेश है। अतः देवताओं को बहुत कष्ट होता है। वो पूछते हैं, हे नाथ, आपके ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं, और वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा, कृपा निधान। श्री राम ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। जय श्री राम। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सीताराम 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 सीताराम। सत्यशील ध्रज ध्वजा पताका। सीताराम 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 सीताराम। बल विवेक दम पर हित घोरे। सीताराम 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 सीताराम। क्षमा कृपा समता रज जोरे। सीताराम 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 सीताराम। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। शक्त और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उनके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और ममता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजहु सारथी सुजाना। सीताराम 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 सीताराम। बिरते चरम संतोष कृपाना। सीताराम 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 सीताराम। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। सीताराम 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 सीताराम। पर विज्ञान कठिन को दंडा। सीताराम 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 सीताराम। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग डाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल चम अमल चलन मन सोन समाना। सीताराम 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 सीताराम। समझ नियम सिली मुख नाना। सीताराम 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 सीताराम। कवच राम जय जय राम। दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईशाम अमल चमल मन सोन समाना। समझम जियन सिलीम खुनाना। तो कवच अभेद विप्रभु पूजा। यही समझ गए उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शाम मन का बस में होना। अहिं अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। श्री राम सखा सखा धर्म में असरत जाके। सीताराम 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 सीताराम। जीतन कहन कतहु रिपुता के। सीताराम 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 सीताराम। हे सखे, ऐसा सर्वमय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। सीताराम प्रभु की कृपा भयम सब काजू। सीताराम 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 सीताराम। जन्म हमारे सुफल भायाजू। सीताराम 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 सीताराम। महा अजय संसार रिपूजित सकई को सोबीर। सीताराम अजाके असरथ होई द्रहे। सुनहु सखा मति धीर। सुनहु सखा मति धीर। हे धीर
बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वे वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जन शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, सुने प्रभु वचन विभीषण, हर से उठे पद कंज सीताराम, यही मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समो श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। राम उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपी कर निज निज प्रभुवान, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, सीताराम 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 सीताराम, देखत रथ नभ चढ़े विमाना, सीताराम 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 सीताराम, हमहुँ उमा रहे तेहीं संगा, सीताराम 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 सीताराम, देखत राम चरित रन रंगा, सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्धि तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रथ रण रंग रण 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 रणोत्सव रणोत्साह लीला देख रहा था। सुभद्र समर रस दोहु दिस माते, सीताराम 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 सीताराम, कपि जय शील राम बल ताते, सीताराम 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 सीताराम, एक एक सन धीरहि पचा रही, सीताराम 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 सीताराम, एकन एक मर्ती महिमा रही, सीताराम 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 सीताराम। दोनों ओर की योद्धा रण रस में मतवाली हो रहे हैं। बानरों की श्री राम का बल है, इससे वे राम जयशील हैं, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार ही काट ही धर ही पछा रही, सीताराम 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 सीताराम, से तोर सी सन सन मार ही, सीताराम 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 सीताराम, उधर बिदा रही भुजा उतारही, सीताराम 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 सीताराम, जही पद अवनि पत की भट डारही, सीताराम 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 सीताराम। वे मार्ग काटते पकड़ते और पछार देते हैं और सिर तोड़कर इन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाड़ी भाई, सीताराम 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 सीताराम, ऊपर डारी में बहु बालू, सीताराम 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 सीताराम, वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, सीताराम 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 सीताराम, जखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे, सीताराम 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 सीताराम। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। राम कुद्ध कृतांत सम कुद्ध राम कुद्ध कृतांत समान, कपि जन सोणते श्रवण सोनित राजही, मर दही निशाचर कटक भट बलवंत धन जिम गाजही।
मारहीं चपे तहीं डाटी दातहीं काटला तहीं जहीं चिक करहीं मरकत भाली खल बल करहीं जहीं खल की जहीं। राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। क्रोधित हुए काल के इस्तेमाल हुए बांदर खून बहाते हुए शरीर से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। दांत कर चपेटों में मारते दांतों से काट कर लातों से पीट डालते हैं। बानर भालू की डालते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही जा रही जैसे आतावरी राम धरी गाल फारही उर्दिदा रही जल अतावरी लही दहलाद पति जनु विविध तनु धरी समर अंगन खेलही धरु मारु काटु पसारु घोर गिरा गगन मही धरी रही जय राम सोतन ते कुशल कर कुलस ते कर प्रण सही। वीर राक्षसों के गाल फाड़ कर फाड़ डालते हैं छाती चीर डालते हैं और उनकी आतड़ियों निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में पीड़ा कर रहे हों। श्री राम पहाड़ो पकड़ो मारो काटो पछारो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर खा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुख तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। प्रभु की कृपा भयव जब काजू सीताराम 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 जिनमें हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। निज दल की चलत देखिय बीस भुजा दस चाप सीताराम रथ चढ़ी चले दसानन फिरहु फिरहु करी ताप लखन किया राम चंद शंकर है मां। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब बीस भुजाओं में दस धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। राम तो घायल परम राम घायल परम क्रोध दस कंधर सीताराम 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 सन्मुख चले हु दई बंदर सीताराम 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 गही कर पादप उपल पहारा सीताराम 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 दारिता पर एक ही बारा सीताराम 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 सीताराम। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लाजहिं सैल वज्र कन ताजु सीताराम 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 खंड खंड होई फूटहिं आजु सीताराम 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 चला नया चले रहा रथ रोकी सीताराम 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 रन दुर मद रावण अति कोपी सीताराम 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 सीताराम। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मस्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा अपने स्थान से जरा भी नहीं जा। इसे उठ जप तहीं कपि जोधा सीताराम 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 मादय लाग भयव यति क्रोधा सीताराम 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 मरदय लाग भयव यति क्रोधा सीताराम 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 सीताराम।
चले पराई भालू का नाना सीताराम 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 साई साई अंगज हनुमाना सीताराम 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 सीताराम। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वे इधर उधर झपट कर और झपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो रक्षा करो, पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुवीर गोसाई सीताराम 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 सीताराम, यह खल खाई काल की नाई सीताराम 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 सीताराम। यही देख राम यही देखी यही देखे कपि सकल पराने सीताराम 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 सीताराम, जसहु साप सायक संधाने सीताराम 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 सीताराम। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग टूटे, तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किए। राम संधान धनु तर कर छायसी उरग जिम उड़िला गही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिस विधि कहे कपि भागहि। राम भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालू, ए बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे सीताराम। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े, वह बाण सर्प की तरह उड़ कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वज्ञ बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया, बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवक की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, प्रभु की कृपा भयव सब काजो सीताराम 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 सीताराम, इन्हें हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। निर्दल निकल देखी कति दशनी संग धनु हाथ सीताराम, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। अपनी सेना को व्याकुल देख कर कमर में तरकस कस कर और हाथ में धनुष लेकर राम रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवा कर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। राम ये खल का मारसी कपि भालू सीताराम 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 सीताराम, मोही बिलोक तोर मैं कालू सीताराम 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 सीताराम, खोजत रहव तो ही सुत घाती सीताराम 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 सीताराम, आज निपात जुड़ाऊ छाती सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्यों मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही चार शिवान प्रचंडा सीताराम 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 सीताराम, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा सीताराम 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 सीताराम, कोटिन आयुध रावण धारे सीताराम 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 सीताराम, तिल प्रमाण करि काटि निवारे सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े, लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने श्रीराम करुणों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिले के बराबर करके काट कर हटा दिया।
पुने निजे बास राम पुने निजे बानन कीन प्रहारा सीताराम 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 चंदनु भंगी सार की मारा सीताराम 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 असत सत सर मारी दस भाला सीताराम 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 गिरिशन जन प्रद संज्ञाला सीताराम 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 सीताराम। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर साथियों को मार डाला श्री राम। रावण के दसों मस्तकों में सौ सौ बाण मारे वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर पे प्रवेश कर रहे हों। उन्हीं सत सर मारा उर्माही सीताराम 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 बरेव धर निकल सुधी कछु नाही सीताराम 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 उठा प्रबल पुनि मूर्छा जाही सीताराम 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 खान सुब्रह्म जो सांगी सीताराम 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 सीताराम। फिर सौ बाण उसकी छाती में मारे ये पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वे प्रबल रावण उठा और उसने वे शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। तो ब्रह्मदंत प्रचंड शक्ति अनंत उरला जी सही पर वीर कल उठा दस मुखे अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी राम सीता उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी सीताराम 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 कथा विसर्जन हो जय सुनो वीर हनुमान जो जन्मायु श्रोता करो प्रयाण श्रोता सब आय सन गए जंगु गए कैलाश रामायण वैकुंठ गई विदाओ हनुमान लखन सिया राम चंद शंकर हरिमा उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय श्री रामचरित मानस की जय रामायण पुराण की जय शुभ नवरात्रि की जय आज के पावन पर्व की जय अशोक देवता की जय आज की कथा संपूर्ण श्री रामचरित मानस का पाठ है जो कि भारत बांदा जिले चित्रकूट क्षेत्र अतर्रा ग्राम पतारी स्थान से ठाकुर धाम मंदिर में चल रहा संपूर्ण पाठ में आई समस्त से शुभ नवरात्रि के पावन पर्व में कथा सुनने के लिए समस्त सम्मानित माताओं बहनों श्रोता भक्त संत सभी श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करो अपनी आस्था रखो और उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करो। अतः कल की संपूर्ण श्री रामचरित मानस पाठ रावण वध सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय।